विकास की कहानी लिखी बाबा साहब ने कलम की जुबानी, न्याय समता लोकतंत्र बना के कानूनी, मिली हमें सही मायने में आजादी। सम्माननीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, प्रधान अध्यापिका एवं मेरे सभी गुरुजन, मैं प्रशिका राहुल खिल्लारे कक्षा 6 क की छात्रा आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बधाई देते हुए आप सभी के सामने मेरे विचार व्यक्त करती हूँ। हम भले ही 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्र हुए, लेकिन सही मायने में यह स्वतंत्रता हमें कानूनी तौर पर 26 जनवरी 1950 को मिली, और इसलिए हम यह दिवस आज गणतंत्र दिन के नाम से मनाते हैं। 399 निर्वाचित सदस्यों की 1946 में चुनी गई संविधान सभा जो 15 अगस्त 1947 में 299 सदस्यों की बनी, जिसमें से 7 सदस्यों की मसौदे समिति बनी, जिस समिति को हमारे देश के संविधान लिखने की जिम्मेदारी दी गई। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनके अतुल्य योगदान की वजह से उन्हें हमारे देश के संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। गणतंत्र दिवस का आयोजन और मनाना तभी सफल समझा जा सकता है जब हमारे देश के हर एक नागरिक को संविधान ने बहाल किए हुए अधिकारों को वास्तविकता में परिवर्तन हो, और हमारे देश के नागरिकों की तरफ से कर्तव्यों का कठोरता से पालन हो। इसी के साथ हमारे देश के नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है कि वे हमारे देश के लोकतंत्र की रक्षा करें और हमारे देश को न्याय समता भाईचारा से बांधे रखे। आज हम मानव कल्याण के कई क्षेत्रों में अपने योगदान दे रहे हैं, जैसे कि अनुर्जा, वैद्यकीय सेवाएं, सांकड़िक प्रणालियों का विकास एवं अनाज की बड़ी मात्रा में उपज होना। इन सब क्षेत्रों में हमने दिखा दिया है कि हम कहीं भी कम नहीं हैं। लेकिन हमें ऐसा सच में लगता है कि हमारे देश एक महान और प्यारा चमन बने, तो हमें सबसे पहले संविधान के प्रचलित मूल्यों को व्यवहार में लाना होगा। नहीं तो भले ही हम इस तकनीकी क्षेत्रों में अपना योगदान देते रहे, लेकिन सामाजिक समस्याएं से कभी उभर नहीं पाएंगे। इसलिए अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम हमारे जीवन में न्याय समता भाईचारा धर्मनिरपेक्षता का पालन करके इस राष्ट्रीय त्यौहार की खुशी को दुगना करें। जय हिंद, जय लोकतंत्र, जय संविधान।